Morning students, welcome to your EVS class. Today I am going to provide you your revision test solution. So let us start with it. A part, are these statements true or false? आपका first question क्या था कि आपको बताना था कि statements true है या false है. Synthetic fibers are obtained from plants. जो synthetic fibers हैं वो plant से obtained होते हैं. This is false. Second one is raincoat is made of waterproof material. जो रेनकोट है वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बना है. दिस इज ट्रू. बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर नेचुरल फाइबर्स, कॉटन एंड वूल. वूल के अलावा आप और क्या लिख सकते हो, सिल्क, लिनन, ये सभी क्या है, नेचुरल फाइबर्स. सेकंड वन इज वी वियर डैश क्लोथ्स इन विंटर्स. हम विंटर्स में किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स. नाउ सी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, वॉट इज वूल. वूल क्या होता है? वूल इज शीप्स फ्लीस विच इज वूवन इन टू वुलन यार्न. जो वूल है वो शीप का फ्लीस होता है जिसे वीव किया जाता है वुलन यार्न में. देन सेकेंड वन इज वॉट आर ब्लेंडेड फैब्रिक्स. ब्लेंडेड फैब्रिक्स क्या होता है? सिंथेटिक फैब्रिक्स कैन ऑल्सो बी मिक्सड विथ कॉटन एंड अदर नेचुरल फाइबर्स. जब हम नेचुरल फाइबर्स के साथ सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सो इट बिकम्स ब्लेंडेड फैब्रिक्स. नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, ये सभी क्या हैं? ब्लेंडेड फैब्रिक्स. नाउ डी पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज व्हाट आर सिंथेटिक फैब्रिक्स. सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या है? ह्यूमन मेड फैब्रिक्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स. जो ह्यूमन मेड फैब्रिक्स हैं वो क्या होते हैं? वो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं. दे आर मेड इन फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस. और इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और जिसमें केमिकल प्रोसेस का भी यूज होता है. सेकेंड वन इज वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स डैट वी वियर फॉर डिफरेंट सीजन. आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स के बारे में बताना था जो हम डिफरेंट सीजन में वियर करते हैं. फर्स्ट वन इज इन समर वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स. समर सीजन में हम लाइट कॉटन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. इन विंटर सीजन वी वियर वुलन क्लोथ्स जो हमें वार्म रखते हैं. रेनी सीजन रेनकोट्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स. रेनी सीजन में हम रेनकोट्स का यूज करते हैं बिकॉज वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट योर टेस्ट सॉल्यूशन. नाउ लेट अस डू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. So today's activity name is COVID-19 germs experiment. कि COVID-19 germs के लिए आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंड वॉश करना चाहिए. Why hand wash is important to remain healthy? किस लिए हैंड वॉश से आप हैंड वॉश अगर आप रेगुलरली करते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद करते हो, तो आप किस तरह से COVID-19 germ से सेफ रहोगे. Okay students? फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड अ बाउल ऑफ वाटर. एक बाउल में आपको वाटर चाहिए. देन वी हैव टेकन सोप. मैंने लिक्विड सोप लिया है. आप किसी भी लिक्विड सोप को यूज़ कर सकते हो. एंड जो हमने जर्म शो करना है, वी आर यूजिंग ब्लैक पेपर पाउडर. हम ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ब्लैक पेपर पाउडर को वाटर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर कि वाटर के ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिया अच्छे से. नाउ आप क्या करोगे, दिस इज़ योर लिक्विड सोप. आप इसमें अपनी देखो, जब हम इसको ऐसे टच करेंगे, दीज आर जर्म्स. पेपर पाउडर को हम जर्म्स करते हैं. देखो जर्म्स गैस करते हैं. और देखो, सी हियर, जर्म्स हमारी फिंगर में टच हो गया. बट व्हेन वी यूज़ सोप, जब हम सोप का यूज़ करेंगे, तो आप देखोगे कि जर्म्स हमारे हैंड पे स्टिक होते हैं या नहीं होते. सी, आई एम यूजिंग सोप. इस तरह से मैंने अपने हैंड पे लिक्विड सोप लगाया. एंड नाउ सी द मैजिक. सी क्या हो रहा है, जर्म्स कहाँ जा रहे हैं? जर्म्स स्प्रेड हो रहे हैं, आपके फिंगर पे टच नहीं हो रहे. So this is the importance of washing your hands regularly. Okay students, so what you have to do is you have to do this experiment yourself.
आप इसको रिकॉर्ड करोगे एंड यू हैव टू सेंड इट टू योर क्लास इंचार्ज. ओके स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज COVID-19 जर्म्स एक्सपेरिमेंट. थैंक यू एंड गुड बाय.